हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 38 साइज का डीप नेक पे सबसे अच्छी ब्लाउज की फुल कटिंग और स्टिचिंग करना सीखेंगे। इसे कॉटन के पीस पे बनाएंगे और ये धारीदार कॉटन का पीस है फ्रेंड्स, समय ट्रेंड में है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हमने एक कॉटन का 1 मीटर का पीस लिया है। इसमें हम एल्बो तक की स्लीव बनाएंगे। तो हमने देखिए 1 मीटर कपड़ा लिया है इस तरह से, और इसे देखिए इस तरह से हम ओपन करेंगे और सबसे पहले इसको उल्टा करके स्लीव की कटिंग करेंगे। फ्रेंड, हम अपने कपड़े पे जब कटिंग करते हैं, मार्क लगाते हैं, तो उल्टी साइड से लगाते हैं। देखिए इस तरह से करके हमने अपने इस कपड़े को 4 फोल्ड करना है और अपने चेस्ट के चौथाई के अकॉर्डिंग करेंगे। फ्रेंड, जैसे हमारा चेस्ट 36 है तो उसका हम 4 भाग करेंगे तो हमारा 9.5 इंच आएगा। देखिए 9.5 इंच हमने कपड़े को 4 फोल्ड में किया है। और नीचे से देखिए फ्रेंड, 1.5 इंच हम पहले एक लाइन मार्क कर लेंगे। इसे हम यहाँ से फोल्ड करेंगे। स्लीप को हम फोल्ड करते हैं फ्रेंड्स, उसको पलटना या अलग से पट्टी नहीं लगानी है। स्लीप की लेंथ यहाँ पे हमारी 12 इंच है फ्रेंड्स। और देखिए 1/2 इंच ऊपर की साइड भी हम मार्जिन लेंगे। इस तरह से हमारा पूरा मार्जिन 2 इंच का हो जाएगा। 1.5 इंच हमने नीचे लिया है, 1/2 इंच ऊपर की साइड, और 12 इंच की हमने स्लीप की लेंथ तैयार की है फ्रेंड्स। और स्लीप की चौड़ाई जो हमने ली है, चेस्ट का चौथाई लिया है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ से हम 3 इंच इस तरह से कम करते हैं। जब हम एल्बो तक की स्लीप बनाते हैं तो उसमें 3 इंच कम करते हैं फ्रेंड्स। छोटी स्लीप में हम 2.5 इंच कम करते हैं और फुल लेंथ में हम 4 इंच तक, लगभग 4 इंच तक कम करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे स्लीव राउंड लेंगे। स्लीव राउंड हमारा 10 है, उसका हाफ हमने लिया है 5 इंच। 2 इंच यहाँ पे मार्जिन रख लिया है फ्रेंड्स। और देखिए जितना मार्जिन हमने यहाँ पे रखा उतना ही मार्जिन यहाँ पे लगा के इस तरह देखिए स्लीव का शेप दे देते हैं। आप चाहे तो देखिए इस तरह से सीधा रख सकते हैं फ्रेंड्स, जो हमने लाइन खींची है वहाँ पर, लेकिन हमने यहाँ पर देखिए इस तरह से अच्छा कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए फ्रेंड्स, अपने कटिंग के पॉइंट को कटिंग के पॉइंट से और सिलाई के पॉइंट को सिलाई के पॉइंट से मार्क कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मिलाते हुए हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है। 2 इंच का मार्जिन हम अपने पार्ट में भी लेंगे और देखिए इस तरह से इसकी लाइन को मार्क कर लेंगे और कटिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सेंटर पे कट लगा लेते हैं और एक तैयार पे कट लगा लेते हैं। कट लगाने से सिलाई हमारी परफेक्ट बैठ जाती है फ्रेंड, नापना नहीं पड़ता ज़्यादा। और यहाँ पर यहाँ एक कट लगा लेंगे, इसको फोल्ड करेंगे। अब इसको देखिए फ्रेंड्स, स्लीव को खोल लेते हैं और इस तरह से रखेंगे। जो पार्ट हमारा सामने की साइड आया होगा उसमें हम 1/2 इंच की गहराई दे देंगे। इससे हम सामने की साइड सिलाई करेंगे। तो हमने देखिए इस तरह से स्लीव की कटिंग कंप्लीट कर ली है फ्रेंड्स। अब अपने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए देखिए हमने कपड़े को पूरा 2 फोल्ड कर लिया है और बंद की साइड अपनी ओर रखा फ्रेंड। नीचे से एक लाइन मार्क करके कपड़े को सीधा करेंगे। ब्लाउज की लेंथ लेंगे। हमारे ब्लाउज की लेंथ 14 इंच है। 1 इंच मार्जिन का प्लस किया है फ्रेंड, 15 इंच पर। आपकी जितनी लंबाई उसी के अकॉर्डिंग लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमारा पूरा शोल्डर 16 इंच का है, उसका हमने हाफ किया है। 8 इंच का हमने शोल्डर ले लिया है। इसे हम डीप नेक पे बनाएंगे फ्रेंड। देखिए तो इसमें हम 2.5 इंच कम कर देते हैं तो ऐसे हमारा शोल्डर 5.5 इंच आ जाएगा। जितना हमारा शोल्डर आता है फ्रेंड, डीप नेक बनाते समय उसमें 2.5 इंच या 2.75 इंच कम करते हैं, जैसे हमारी लेंथ होगा। लेके आर्म होल देखिए, जितना हमारा शोल्डर है उससे 1/2 इंच ज़्यादा हम लेंगे आर्म होल को। तो हमें आर्म होल 6 इंच लेना है इस तरह से। चेस्ट का चौथाई लेंगे फ्रेंड। चेस्ट हमारी 36 है तो उसको 4 भाग करेंगे। 1 भाग लेंगे 9.5 इंच इस तरह से, और 2 इंच का मार्जिन रखेंगे फ्रेंड। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 1 इंच बाहर की साइड लेके हम आर्महोल का शेप दे देते हैं। हैवी साइज में हम 1 इंच लेते हैं फ्रेंड, नॉर्मल में 1/2 इंच ही लेते हैं। इस तरह से हमने 1 इंच पर अपने आर्महोल की लाइन को मार्क कर लेना है और बैक पार्ट का शेप दे देना है। ये हमारे बैक पार्ट का आर्महोल है। कमर हमारी 32 है फ्रेंड्स, को चौथाई लेंगे 8 इंच। 1 इंच डॉट कर लेंगे और देखिए 2 इंच का मार्जिन लेके इस तरह लाइन को मार्क कर लेंगे। ये हमारी फिटिंग की लाइन है। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कटिंग की लाइन है। इसी लाइन के अकॉर्डिंग अपनी फिटिंग लगाते हैं तो हमारी फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है। अब देखिए यहाँ से जहाँ से हमारी कमर है उसका हाफ कर लेंगे टक्स लगाने के लिए। और बैक का टक्स हम हमेशा 1/2 इंच का लगाते हैं फ्रेंड्स, 1/2 इंच का। इस तरह से 1/2 इंच का मार्क कर लेंगे और 1/2 इंच देखिए यहाँ पे इस तरह से उठाते हैं बैक पार्ट में। इससे हमारे आर्महोल के पास झोल नहीं आता फ्रेंड, परफेक्ट आर्महोल बैठता है। और देखिए इस तरह से उठा लेना है। अब गले की चौड़ाई देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने 2.5 इंच रखी है। आप इसे 3 इंच भी रख सकते हैं, जैसे आपका शोल्डर आपको पसंद हो। इसमें शोल्डर पतला ही अच्छा लगता है। और नीचे देखिए हमने 3.5 इंच की पट्टी रखनी है गले की फ्रेंड, तो हमारा पूरा गला 10.5 इंच आएगा। ये डीप नेक गला है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम 3.5 इंच इस तरह से उसको फैलाएंगे, मटका शेप देंगे अपने गले का। ये देखिए गले का शेप दे देते हैं इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत गले का शेप आएगा इस तरह से। आप अगर कट करेंगे तो मटका शेप एकदम बन के आएगा। ये देखिए
अब हाफ इंच हम इस तरह से डाउन करेंगे शोल्डर को, जैसा कि हम डीप नेक में हमेशा करते हैं। डीप नेक में हम अपने गले को के साइड शोल्डर को डाउन करते हैं, फिर तुम्हारा गला गिरता नहीं है। और स्टिच की कटिंग कर लेंगे मार्किंग के अकॉर्डिंग। देखिए फ्रेंड, तैयार पे कट लगा लेते हैं। और अभी इस पार्ट को हम नहीं कट करेंगे, पहले फ्रंट पार्ट के लिए इस पार्ट को उतार लेंगे फ्रेंड, इसके बाद गले को इस पार्ट को कट करेंगे। देखिए मैंने पेपर ले लेना है, उसके ऊपर अपना बैक पार्ट रखेंगे और स्टिच अपने बैक पार्ट को उतार लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरह से हमको मार्क कर लेना है। देखिए यहाँ पे मार्क लगा लेते हैं, यहाँ पे भी लगा लेते हैं। अब बैक पार्ट हटा लेंगे और देखिए ये जो हमने बैक पार्ट में हाफ इंच ऊपर उठाया था फ्रेंड्स, इसको कट कर लेते हैं। इस तरह से हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए हम शोल्डर नाप के पहले आर्म होल की गहराई देंगे फ्रेंड। शोल्डर नापेंगे तो हमारी लाइन एकदम सीधी आएगी इस तरह से, और आर्म होल की लाइन को मार्क कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से देखिए एक इंच इस तरह से ले गए हम, और आर्म होल की गहराई देंगे हाफ इंच पे, एक इंच अंदर की साइड से लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए हाफ इंच हम लेंथ को एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं, जितना हमारा बैक पार्ट की लेंथ है फ्रेंड, उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे फ्रंट में, ये हमारा मार्जिन होगा। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे जो हमारा चेस्ट है इसका हम फुल बस्ट लेते हैं, फुल बस्ट का चौथाई, यानी जितना हमारा बैक पार्ट का चेस्ट है उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। और यहाँ पे देखिए कमर का चौथाई लेंगे 7 इंच, 2 इंच की इसमें हम डार्ट लगाएंगे फ्रेंड, टक्स 2 इंच इसको डार्ट के लिए लेंगे और 2 इंच मार्जिन का ले लेते हैं। इस तरह हमने 4 इंच कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा लिया है, ये देखिए कमर से। और देखिए इस तरह से इसको हम मार्क कर लेंगे। देखिए ये लाइन हमारी बैक पार्ट की है तो इसको हम कट कर देते हैं। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड अपने गले और बेल्ट की लेंथ को मार्क करेंगे, तो गला यहाँ पे हम 6.5 इंच रखेंगे फ्रेंड इस तरह से। और जो हमारी टक्स की लेंथ है 10 इंच पे है फ्रेंड्स, तो इसे हम 10 इंच पे ही मार्क करेंगे, क्योंकि हमने हाफ इंच शोल्डर को डाउन किया है तो हमारा सिलाई 10.5 इंच पे डॉट आ जाएगा इस तरह से। और जो बेल्ट की लाइन है उसे हम 12.5 इंच पे मार्क करेंगे फ्रेंड। आप चाहे तो नीचे से 2 इंच पे बेल्ट की लाइन को मार्क कर सकते हैं, आप चाहे 12.5 इंच पे करें या 2 इंच पे करें, आएगा उतना ही फ्रेंड्स। देखिए हमने 12.5 इंच पे बेल्ट की लाइन को मार्क कर लिया है और इसे सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमारी 2 इंच की बेल्ट आ जाएगी नीचे की साइड। और देखिए टक्स की लाइन को मार्क कर लेना है, गले की लाइन को भी मार्क कर लेना फ्रेंड्स। अब देखिए अपने गले को मार्क करके हम उस पर गले का शेप देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमने 5 शेप दे देना है। आप इस पर 5 शेप स्वीट हार्ट या भी कोई भी शेप दे सकते हैं फ्रेंड। अब देखिए यहाँ टक्स पॉइंट की चौड़ाई लगाएंगे, तो हमें 4 इंच लेना है। 4 इंच पे हमने नीचे की साइड पर नाप लेना है और इस लाइन को सीधी मार्क कर लेना है। और जिसमें टक्स लगाएंगे फ्रेंड 2 इंच की लगाएंगे। देखिए सेंटर से इस तरह से रखेंगे, 1/2 इंच इस साइड आएगा और 1.5 इंच इस साइड, तो कुल मिला के हमारा 2 इंच का टक्स आ जाएगा फ्रेंड। इसी तरह से बेल्ट की लाइन पर हमको नाप लेना है और इस टक्स की लाइन को सीधी मार्क कर लेना है। 2 इंच की लाइन हमारी है और देखिए इस टक्स की लाइन मिला के तिरछा मिलाना है फ्रेंड्स। अब देखिए टक्स को मिस्टर से नापेंगे तो 3 इंच पे हम मार्क करेंगे फ्रेंड्स। अपनी जो कटोरी बनाएंगे इसका राउंड देने के लिए देखिए हमने 3 इंच इस तरह से नापा है, हैवी चेस्ट का है फ्रेंड्स, इसलिए हमने 3 इंच लिया है। नॉर्मल में हम 2.5 इंच लेते हैं या 2 इंच लेते हैं। देखिए इस तरह से राउंड दे देना है 3 इंच पे। अब यहाँ पे देखिए जो हमारी टक्स पॉइंट की लाइन है यहाँ पे भी हम 1/2 इंच की टक्स लगाएंगे, जो गले की साइड की टक्स होगी। ये देखिए अब यहीं से बेल्ट का शेप दे देते हैं और जो हमने राउंड नापा था वहीं शेप मिला के मिला लेंगे। ये देखिए मैम एकदम परफेक्ट हमारा राउंड आया है। अब यहाँ पे देखिए अपनी फिटिंग की लाइन को पहले मार्क कर लेते हैं इस तरह से। अब फिटिंग की लाइन से फ्रेंड देखिए 1.5 इंच हम लेंगे, अपने सब्यसाची कटोरी का शेप देंगे। देखिए यहाँ पे 1.5 इंच ले लेना है, नॉर्मल साइज होता था हम 1 इंच लेते, तो हमने देखिए यहाँ पे 1.5 इंच लिया है। और देखिए इस तरह से करके हम शेप देते हुए इसको मिलाएंगे, इसका शेप अच्छे से बन के आना चाहिए राउंड में। ये देखिए इस तरह से अब एक शेप और देंगे फ्रेंड्स, जो हमारी इस सब्यसाची ब्लाउज का सबसे मेन पार्ट है, इसी से हमारी इसका उभार अच्छा परफेक्ट आता है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पे आर्म होल के पास हल्का सा इस तरह से हम इसको गहराई दे देते हैं। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड अपने बैक पार्ट को ले लेते हैं,
ये देखिए इस तरह से बैक पार्ट को यहाँ पे हम रख के इसको मार्क कर लेंगे ताकि हमारा फ्रंट और बैक एक बराबर सिलाई करते समय आए। इस तरह से हमने बराबर कर लेना है। अब देखिए मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको निकाल लेना है। अपने टक्स को हम क्लोज कर देंगे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स इसी वजह से अपने इस ब्लाउज को डायरेक्ट कपड़े पे नहीं कट करते हैं क्योंकि इतना कपड़ा हमारा इसमें एक्स्ट्रा जाता है। और देखिए इसको मेजर कर लेते हैं, जितनी हमारी कमर है उसका चौथाई है फ्रेंड्स और 2 इंच एक्स्ट्रा है मार्जिन का, एकदम परफेक्ट हमारे पार्ट है। और देखिए यहाँ के टक्स को पहले अलग कर लेते हैं और इस कटोरी वाले पार्ट को अलग कर लेंगे फ्रेंड्स। और देखिए जहाँ पे हमारा टक्स वहाँ पे कट लगा लेंगे ताकि सिलाई करते समय आसानी रहे। गले को भी कट कर लेंगे। इस तरह से हमने ये दोनों पार्ट कंप्लीट कट कर लिया है। अब इसका देखिए टक्स हम कट करके अलग करेंगे फ्रेंड्स, इसको भी हम क्लोज कर देंगे। इस तरह से पिन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पेपर पे अपनी कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब सारे पार्ट को अपने कपड़े पे कट करेंगे फ्रेंड्स। देखिए हमने कपड़े को टू फोल्ड करके रखा है और ओपन साइड अपनी ओर रखा है फ्रेंड, इसे हम फ्रंट ओपन पे बनाएंगे। तो देखिए जैसा हमारा पार्ट है स्टिच पहले इसको उतार लेते हैं। फिर देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम 1/2 इंच हुकाई का एक्स्ट्रा लेंगे, बाकी जैसा है सेम इस तरह को कट करेंगे। ये देखिए अब दूसरा पार्ट कट करेंगे, इसके लिए देखिए हमने इस तरह से इसको रखना है और स्टिच इस पार्ट को भी मार्क कर लेंगे फ्रेंड। यहाँ पे देखिए गले की साइड 1/2 इंच हुकाई का ले लेंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, जितना हम एक्स्ट्रा लेते हैं उसे हम सिलाई में दबा देते हैं फ्रेंड्स। देखिए इस तरह से करके हमारा दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। कट लगा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा ये लास्ट पार्ट जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस कटोरी का, इस ब्लाउज का फ्रेंड्स। देखिए इस पार्ट को हमने इस तरह से रखना है और नीचे की साइड जैसा हमारा सेप है फ्रेंड्स उस तरह से उतार लेना है। ये देखिए राउंड देते हुए ऊपर का जो हमारा सेप आएगा फ्रेंड, देखिए यहाँ पे टक्स वाले पे मार्क कर लेते हैं पहले और यहाँ से देखिए इस लाइन को हम इस तरह से मिलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड इस तरह से। अब यहाँ से देखिए इस साइड भी इसी तरह से हम इसको मिलाएंगे ताकि लाइन सीधी आ जाए। ये देखिए इतना हमारा कपड़ा इसमें एक्स्ट्रा बढ़ता है फ्रेंड, तभी इसका उभार परफेक्ट आता है। अब देखिए 1/2 इंच का हम मार्जिन ले लेंगे दोनों साइड, इस साइड भी लेंगे और नीचे की साइड भी लेंगे। इस कटोरी को बहुत ही ध्यान से समझना है फ्रेंड, यही इस ब्लाउज का मेन पार्ट होता है। अगर यही सेप बिगड़ जाएगा तो हमारी कटोरी का उभार अच्छे से नहीं आएगा। ये देखिए हमने 1/2 इंच ऊपर की साइड और 1/2 इंच नीचे की साइड मार्जिन ले लिया है और आगे की साइड हम हुकाई का 1/2 इंच ले लेते हैं फ्रेंड। इस चीज़ इस पार्ट को कट कर लेंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड यहाँ पे हम कट लगा लेंगे और यहाँ पे हमारे सारे पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपने बैक पार्ट की स्टिचिंग करेंगे फ्रेंड। तो देखिए हमने गले को जो मार्क किया था उसी के अकॉर्डिंग उसको कट कर लेंगे और टक्स लगा लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए 1/2 इंच की टक्स लगाते हैं जो हमने मार्किंग लगाई थी। अब देखिए हम इसमें कमर पट्टी लगा लेंगे फ्रेंड। हमने कमर पट्टी लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हम अपना फ्रंट पार्ट बनाएंगे। तो देखिए हमने ऊपर का साइड जो पार्ट है उस गले का उसको ले लेना है। अब देखिए हमने कटोरी वाला पार्ट लेना है। ये देखिए कट से कट को मिलाते हुए अब इस पर हम देखिए इस तरह से इसको रखेंगे और ज्वाइन करेंगे फ्रेंड। देखिए कट लगाने से हमारा पार्ट कितनी आसानी से सिला जाएगा, तो कट लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। ये देखिए कट से हमने कट को मिलाया है और इस तरह से 1/2 इंच के मार्जिन के अकॉर्डिंग इसकी सिलाई कर ली फ्रेंड। जितना हम मार्जिन रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग सिलाई करते हैं, इससे हमारी फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है, कपड़ा कहीं से घटता बढ़ता नहीं है। और देखिए सिलाई को डबल कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम सिलाई को चीर देते हैं, दोनों सिलाई का मुँह एक दूसरे के सामने नहीं रहेगा फ्रेंड, उल्टी साइड में कर देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको चीर देना है सिलाई को। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी बना लेना है फ्रेंड्स। हमने देखिए दोनों पार्ट यहाँ पे कटोरी का बना लिया है। अब देखिए इसमें हम अपने बेल्ट को ज्वाइंट करेंगे फ्रेंड। ये देखिए इस तरह से इसको रखेंगे और देखिए फ्रेंड आर्म होल की साइड से इसको हम ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से रखना है और जो हमने मार्जिन लिया है इसी मार्जिन के अकॉर्डिंग करेंगे फ्रेंड्स हम सिलाई इसकी। ये देखिए खींचना नहीं है फ्रेंड्स पार्ट को, एकदम
बराबर रखते हुए उसकी सिलाई कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से हाथ का सहारा लेते हुए उसकी सिलाई करते जाएंगे फिर, ताकि कहीं सल ना पड़े। और देखिए हम जो हमारी जोड़ है, इस जोड़ को हम दोनों साइड कर लेंगे। ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारा बेल्ट इसमें जॉइंट हो गया फ्रेंड। अब इस सिलाई को भी हम डबल कर लेंगे। देखिए कितने अच्छे से हमारी बेल्ट इसमें बैठ गई है। और देखिए आगे की साइड जो हल्का फुल्का कपड़ा एक्स्ट्रा दिख रहा है उसको कट कर लेंगे। इसी तरह से दूसरा पार्ट बना लेंगे। और देखिए फ्रेंड अब हम इसमें अपनी हुकाई की पट्टी लगाएंगे और कमर पट्टी लगा लेंगे फ्रेंड। तो देखिए हमारी आई की पट्टी है, इसमें हमने सिलाई कर ली है। और देखिए इसको डबल फोल्ड करेंगे, इस तरह सिलाई कर लेंगे। ये देखिए जो एक्स्ट्रा पट्टी उसको कट कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स कमर पट्टी लगाएंगे, तो हमने 1.5 इंच की एक पट्टी ले लेनी है सीधी पट्टी। और देखिए इस तरह से रखते हुए उसकी सिलाई करनी है। देखिए इस तरह से इसको हम पलट देंगे और डबल फोल्ड करके इसकी इस पर कच्ची सिलाई डालेंगे फ्रेंड। बाद में इस सिलाई को हम खोल देते हैं तुरपाई करने के बाद। इसी तरह से दूसरा साइड भी हमको बना लेना है, दूसरा पार्ट। यहाँ पे देखिए इस पार्ट में हम अपनी हुक की पट्टी लगाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए इसको ऊपर से सिलेंगे और जितना हमने हुकाई के लिए मार्जिन लिया है फ्रेंड, पूरा मार्जिन हमने इसमें ले लेना है। ये देखिए इस तरह से एक सिलाई पट्टी के ऊपर और चलानी है और इस तरह से पूरी पट्टी को हमको पलट देना है। कमर पट्टी लगा लेनी है, जो एक्स्ट्रा पट्टी उसको कट कर देना है। इस तरह से देखिए मैंने दोनों पार्ट यहाँ पे फ्रंट का कंप्लीट किया है फ्रेंड। अपने गले पे हम पट्टी लगाएंगे, इस पट्टी को हम पलटेंगे फ्रेंड। तो देखिए मैंने पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करके इस पर सिलना है और थोड़ा सा इसको लूज रख के सिलाई करेंगे फ्रेंड। पट्टी हमको खींचना नहीं है, पाइपिंग की पट्टी को खींचते हैं फ्रेंड। जो पट्टी हमको पलटनी रहती है उसको खींचते नहीं हैं। अब देखिए हम पट्टी के ऊपर एक सिलाई और चला लेंगे, इस तरह से फिनिशिंग से हमारी पट्टी पलटा जाएगी। और देखिए इस तरह से पलट लेते हैं। इसी तरह से दूसरे गले में पट्टी लगा लेंगे फ्रेंड्स। यहाँ देखिए मैंने दोनों गले में पट्टी लगा ली है और दोनों पार्ट को देखिए एक दूसरे के साथ रखते हुए देख लेंगे, वहाँ दोनों पार्ट एकदम इक्वल आना चाहिए। तो दोनों एकदम इक्वल है फ्रेंड्स। अब देखिए अपने बैक पार्ट को ले लेते हैं। बैक पार्ट पे जैसे हमने फ्रंट पार्ट पे पट्टी लगाई है, उस तरह हमने बैक पार्ट पे पट्टी लगा लेनी है। और इस पट्टी को पलटना नहीं है फ्रेंड्स, शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद इस पट्टी को हम उल्टी साइड पलटेंगे ताकि हमारे शोल्डर की सिलाई अंदर हो जाए। और देखिए इस तरह से इस पट्टी को खोल के रखना है और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख के इस तरह से सिलाई करनी है फ्रेंड। देखिए पट्टी को हमने आगे बढ़ाते हुए रखा है, बैक पार्ट की पट्टी को, क्योंकि इस पट्टी को हमने फोल्ड नहीं किया है। ये देखिए इस तरह से अब शोल्डर की सिलाई को डबल कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके पलट देंगे तो सिलाई हमारी अंदर हो जाएगी और ऊपर से एक सिलाई चला लेंगे। बाद में सिलाई को हम खोल देते हैं फ्रेंड्स। ये हमारी कच्ची रफ स्टिच होती है, कच्ची सिलाई। ये देखिए इस तरह से इसको फोल्ड करके पलट लेना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इस तरह से फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी पलटा गई है गले की। अब देखिए दोनों को हम इक्वल रखते हुए देख लेते हैं, कहीं से अगर छोटा बड़ा होगा तो आर्महोल को हम छांट देंगे फ्रेंड, कट कर देंगे। इसके बाद देखिए हमने स्लीव को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। स्लीव में जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था फ्रेंड, उसी के हिसाब से इसको फोल्ड करेंगे। दोनों हमने स्लीव को फोल्ड कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड अपना पार्ट लेंगे, इस पर हम स्लीव को ज्वाइन करेंगे। जो हमारी गहराई वाला पार्ट है उसको हमने आगे की साइड रखा है और देखिए सेंटर से हम स्लीव को सिलना शुरू करते हैं फ्रेंड। इस तरह से देखिए इक्वल रखते हुए सिलाई करते हैं तो हमारी स्लीव देखिए एकदम इक्वल आई फ्रेंड, जैसा हमने कट लगाया था। कट पे कट हमारी बैठ गई है स्लीव की। देखिए इस तरह से हमको फिटिंग लगाना भी आसान हो जाएगा, इसी कट को मिलाते हुए हम फिटिंग लगा लेंगे फ्रंट और बैक की। ये देखिए फ्रेंड स्लीव को इस तरह से जोड़ लेना है, दोनों स्लीव हमारी एकदम इक्वल आई फ्रेंड्स दोनों साइड से। और देखिए सिलाई हमको डबल कर लेना है स्लीव की। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड एकदम इक्वल आई फ्रेंड। अब देखिए अपने फिटिंग लगाने के अपने बैक पार्ट का सेंटर ले लेते हैं और इसी सेंटर से मिलाते हुए फ्रेंड फ्रंट पार्ट को रखेंगे और सीधी साइड से दोनों साइड एकदम किनारे पे सिलाई चला लेंगे इस तरह से। देखिए और जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा आएगा फ्रेंड उसको कट कर लेंगे।
तो इसी तरह से हमने दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। फिर उल्टी इस कपड़े को ब्लाउज को उल्टा कर लेंगे, फिर हम उल्टी साइड से भी किनारे पे सिलाई चला लेंगे। अब देखिए इसको हम बराबर से इस तरह से रखेंगे और फिटिंग की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारी कमर 32 है, उसका चौथाई हमने 8 इंच लेना है। चेस्ट 9.5 इंच है, 36 है फ्रेंड्स, उसका चौथाई 9.5 इंच लेना है। स्लीव राउंड यहाँ पे नापेंगे, स्लीव राउंड हमारा 5 इंच है। देखिए इस तरह से 5 इंच हम नाप लेंगे फ्रेंड्स, 10 का हाफ 10 पूरा 10 है फ्रेंड्स, उसका हाफ हमने 5 इंच लेना है। और देखिए फिटिंग की लाइन एकदम सीधी मार्क कर लेना है फ्रेंड्स। इसी तरह से दूसरी साइड की भी मार्किंग कर लेंगे। कमर 8 इंच, चेस्ट 9.5 इंच फ्रेंड्स। और देखिए हमने हमारे जो स्लीव की फिटिंग है वो पहले से ही इसमें लगी हुई है, जो हमने कटिंग किया था उसी मार्क पे हम इसकी सिलाई करेंगे फ्रेंड्स। एकदम परफेक्ट है हमारी मार्किंग। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली फिटिंग की और ब्लाउज को सीधा कर लिया फ्रेंड। देखिए सेंटर पे हमने पिन भी लगा लिया है, हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक है फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।